वेलकम बैक टू माई चैनल स्वीटी लव फैशन। गाइज मैं हमेशा ना ऐसा बोरिंग सा डायलॉग बोल देती हूँ और बस शुरू कर देती हूँ वीडियो, तो मैंने आज सोचा कि मैं आप थोड़ी सी बात भी कर लूँगी आपसे। तो गाइज ये कैसा लग रहा है आपको ये लुक? मैंने ये ब्लूइंग कलर में अपनी आई लुक करी है और साथ में न्यूड लिप्स रखे हैं। आई होप आप लोगों के साथ को पसंद आएगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे क्रिएट किया है। फर्स्टली गाइज मैं यहाँ पे हिलारी रोडा का ये पैलेट ले रही हूँ ब्लू कलर, और यहाँ पे अपने क्रीज पे अच्छे से डिपॉजिट करूँगी और उसको ब्लेंड करती जाऊँगी, क्योंकि इसको कम से कम मुझे 6 से 7 बार लगा था गाइज इसको डिपॉजिट करके ब्लेंड करने में, क्योंकि बहुत लाइट शेड है और मुझे इसका पिगमेंटेशन ज़्यादा चाहिए था। देख सकते हैं आप, मैंने इसको बहुत बार अप्लाई किया, डिपॉजिट करते जा रही हूँ और ब्लेंड करती जा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने अपनी आईब्रोज कर ली है और अपना आईलिड भी प्रेप कर लिया था। अब मैं गोल्डन शेड अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी आईलिड्स पर और वापस से मैं इसको सारी हार्श लाइन को ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और मैं अब लाइनर लगा रही हूँ जो HR का है। लाइनर लगाने के बाद मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा है, क्योंकि नेक्स्ट मुझे यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई करनी है। तो ऐसा करने से आपकी जो फॉल्सीज होती है ना बहुत नेचुरल और आपके जो नेचुरल आई लैशेज पर अच्छे से मर्ज हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेकअप, मतलब फेस मेकअप। तो फेस मेकअप के लिए मुझे सबसे पहले प्राइमर की ज़रूरत है जो मैं बेला वर्से का अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा वाला प्राइमर है, सारे पोर्स को बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है। अब मूव ऑन करेंगे हमारी फाउंडेशन पर। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे 925 का प्राइम प्लस मैट फाउंडेशन लिया है इन द शेड W120। एक्चुअली मैं 120 और 160 दोनों ही मेरे जैसे शेड लग रहे थे, बट मैंने क्यों 120 पिक कर लिया आई डोंट नो, बट ठीक है, अच्छा लगा मुझे। मैंने इसको अप्लाई कर लिया और अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया लास्ट। उसके बाद मैंने यहाँ अप्लाई किया MN का ये कंसीलर, बहुत ही अच्छा कंसीलर लग रहा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है, उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे मैंने अप्लाई किया था हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर यूजली अप्लाई करते हैं। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करूँगी, तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे डार्लिंग इज़ाबेला का ये स्टिक लिया है कॉन्टोरिंग स्टिक, और इसको पहले मैं अप्लाई करूँगी ऑल ऑफ द चीक्स, नेक्स्ट फोरहेड पे थोड़ा सा जो लाइंस पे, और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और नोज़ पर मैं अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, तो ये बहुत ही नेचुरल लगता है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट अब मैं करूँगी यहाँ पे इसको सेट। तो सेट करने के लिए मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट पाउडर लिया है शुगर का, और सेम इसी के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी जिससे बहुत अच्छे से सेट हो जाए। किया था सेम इसी पैलेट में से जिससे मैंने आई शेडो अप्लाई किया। सॉरी मैं गाइस सबको बताना भूल गई, मैंने यहाँ पे HR हिलारी रोटा का लिया था, इसी में सेम पिंक ब्लश अप्लाई कर लिया है मैंने, अपने मेकअप को सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो मास्टर क्रोम का है, अमेजिंग हाइलाइटर गाइस, अमेजिंग। इसको मैं अप्लाई करूँगी, देख सकते हैं आप, नोज़ पर, फोरहेड पर, चिक बोन्स पर, देख सकते हैं आप अच्छे से, बहुत अच्छा ग्लो देता है यार ये, बहुत ही प्यारा। थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी आई लुक कम्प्लीट नहीं किया है, आई लुक को कम्प्लीट करेंगे। थोड़ा सा मैंने ब्रोबोन पे भी अप्लाई कर लिया जो बहुत अच्छा लुक देता है और बहुत अच्छा फिनिश लगता है आपके आईब्रोज का। न्यूड लिप्स के लिए NYB की न्यूड लिप्स क्रेयॉन लिया है, और इससे मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। क्रेयॉन बहुत ही अच्छा है बट ज़्यादा स्टे नहीं करता है, ठीक है फिर भी। अब मैं जो ब्लू मैंने अपने क्रीज पर अप्लाई किया था वही सेम शेड लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ, देख सकते हैं आप, और इनर कॉर्नर पे जो मैंने मास्टर क्रोम हाइलाइटर था उसको अप्लाई करूँगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही, मतलब मैंने कुछ नया अलग टाइप का इस बार कलर यूज़ करे, ब्लू कलर मैंने कभी यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे काजल के लिए NYB ले रही हूँ, और इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आँखें कितनी सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी, पता नहीं ये मेरा उस दिन कैमरा क्यों पिक नहीं कर रहा था, ये ग्रीन ग्रीन लग रहा है, बट ये ब्लूइंग कलर में गाइस। मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी और मैं अपने मेकअप को फिनिश करूँगी। या गाइस दिस इज़ माई फाइनल लुक। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, और फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, स्टे ट्यून, टेक केयर गाइस। Oh, oh, oh.